देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र वर्मा। हम आपको बता दें कि गोहाना नगर परिषद का जो चुनाव है वो अप्रैल के अंतिम में होना हो सकता है, और इसी को देखते हुए अब जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा बैठकों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। और हम आपको बता दें कि आज गोहाना के सोनीपत रोड पर रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा को यहाँ का इंचार्ज बनाया गया। उनको यहाँ पर आना था लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, तो उनका आज जो कार्य है वो जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया के द्वारा किया गया। और पदम सिंह दहिया ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें एक बैठक की गई, और उसमें सबको कमर कसने के लिए कहा गया है कि आप अपनी कमर कस लें, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। उसी को देखते हुए आज जो है इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया है कि ताकि चुनाव कभी भी अनाउंस होते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए। और पदम सिंह दहिया ने सभी कार्यकर्ताओं को वार्ड वाइज एक कमेटी बनाने की भी एक ड्यूटी लगाई गई है कि आप वार्ड वाइज दो दो नाम जो है पार्षद जिन्होंने लड़ना है उनका नाम दिया जाए, ताकि जब भी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो हम पार्षदों और चेयरमैन का नाम हाईकमान तक भेज सकें। और इसी को लिखते हुए आज जिलाध्यक्ष पदम सिंह दहिया के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया, और वहाँ कहीं ना कहीं रणनीति जो है चुनाव के लिए बनाई जाते दिखाई हुए। और सुनिए पदम सिंह दहिया क्या कह रहे हैं। आज की जो मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है सोनीपत जिले में दो गोहाना और कन्नौर में निकाय के चुनाव है, और उस चुनाव की तैयारी के लिए आज हमने गोहाना शहर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, और पार्टी के शीर्ष नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हरेक वार्ड में घूम घूम कर अपनी पार्टी के जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी में आज ये मीटिंग बुलाई गई है, और पूरे जोर शोर से जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में उतरेगी और चुनाव जीतकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम। पदम जी, जिस तरह से प्रदेश में गठबंधन है दोनों सरकारों का, बीजेपी और जेजेपी का, तो चुनाव में क्या रहेगा इसमें? दोनों पार्टियां इकट्ठा चुनाव लड़ेंगी और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब मीटिंग होती है दोनों पार्टियों में किसी पार्टी की, तो दूसरे एक पार्टियों के नेता वहां पहुंचते नहीं? नहीं, एक प्रोग्राम जो हमारा साथ जगह होता है उसमें दोनों पार्टी मिलकर काम करती है। अब चुनाव होगा तो दोनों पार्टी मिलकर कैंडिडेट के चुनाव की तैयारियां करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तो गोहाना से किस पार्टी का नेट? अभी हमारे शीर्ष नेताओं की मीटिंग होगी, कौन सी पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, तो उसका बंटवारे के साथ फिर दोनों पार्टियां मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। आज क्या फैसला लिया गया? आज कोई फैसला नहीं लिया, आज तो हमने अपने पार्टी के कैंडिडेट है जो कौन कौन पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं इसलिए बुलाई। कितने नाम आए हैं सर? हमारे यहाँ 23 वार्ड हैं, हर एक चुनाव में हमारे कैंडिडेट हैं। नहीं, चेयरमैनी के हमारे कई नाम आए हैं, और जो हम ये सूची अपने हाईकमान को देंगे जो वो फाइनल करके भेजेंगे उसी को चुनाव लड़ाएंगे। अगर ये जेजेपी के खाते में आती है गोहाना की सीट, हाँ, तो यहाँ से आपके जो अलका अध्यक्ष है मजबूत चेहरा भी है, हाँ, तो क्या चुनाव लड़वाएंगे? अगर तो ये इच्छुक होंगे तो बिल्कुल लड़वाएंगे, हमारी पार्टी के ऐसे बिल्कुल लड़वाएंगे।